हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मैं प्रियंका आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईएमआरएस राइटिंग सेक्शन का स्पीच राइटिंग। डिबेट राइटिंग हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे स्पीच राइटिंग। तो स्पीच राइटिंग है क्या, आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। स्पीच नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसा जो आपके बोलने से रिलेटेड है। तो जब बोलने से रिलेटेड है तो लिखने की जरूरत क्या है, लिखने की जरूरत, इसका ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हाँ जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, अपने थॉट्स को, अपनी थॉट्स को वर्बल मीडियम में शेयर करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस, एक वे फॉलो करना होता है। तो वो क्या है, हर चीज का एक मैनर होगा, एक वे होगा अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर करने का। तो वो क्या है, हम वो सीखेंगे। आर्टिकल्स राइटिंग था, उसमें क्या था कि हम लिख करके अपने थॉट्स को शेयर कर रहे थे, बट स्पीच इज अ मीडियम जहां पर आप एक वर्बल वे में अपने थॉट्स को दूसरों तक शेयर करेंगे। तो क्या है वो तरीका, व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और पब्लिक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका, अपना और अपने से होते हुए टॉपिक का। भाई टॉपिक को भी तो बताओगे ना कि आज आप किस टॉपिक के बारे में बोलने जा रहे हो, तो उसके लिए हेडिंग नहीं देनी है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे ना तभी आप बताओगे, इसीलिए यहाँ पे हेडिंग नहीं दी है। क्यों, क्योंकि लिखने का पार्ट नहीं है, ये बोलने का पार्ट है। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, My name is this and this XYZ. Today I'm going to share my thoughts or my views on जो भी आपका टॉपिक है वो। उसके बाद में आप एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में ही वेलकम स्पीच एड कर सकते हो, थैंक्स फॉर कमिंग और बींग गैदर्ड हियर, जो भी है ऑडियंस को आप एक वेलकम स्पीच दे सकते हो और एक थैंक्स स्पीच भी ऐड कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है, जिनकी वजह से आप वहां स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वेलकम और थैंक्स ये दोनों ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो एक एक लाइन इनके लिए ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ऐड कर दे तो अच्छा जरूर लगेगा। इंट्रोडक्शन दिया, अब बारी आ गई डिटेल्ड पैरा की। डिटेल्ड पैरा में आप अपने टॉपिक के बारे में बताओगे कि क्या है वो टॉपिक, किस बारे में डिफाइन कर रहा है, कैसे डिफाइन कर रहा है। डिबेट में हम पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट को बोलते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी थॉट्स हैं उनको आप पूरा डिटेल्ड में यहाँ पर शेयर करेंगे। अगला आ जाएगा आपका कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन जैसा कि पता है कि कॉन्क्लूजन में हम क्या करते हैं, रिजल्ट। तो अपना रिजल्ट डालिए यहाँ पर। जब आप अपनी स्पीच को क्लोज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर किसी कोटेशन, क्लोजिंग लाइन को किसी कोटेशन के साथ में क्लोज करो तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। आपके अपने थॉट्स हैं, चाहे वो आपकी अपनी बनाई हुई लाइंस है या किसी और का कहा हुआ स्टेटमेंट है, उनके साथ आप इसको क्लोजिंग दे सकते हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मेट था सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि स्पीच रटने की जरूरत नहीं है। स्पीच क्या है, आपको खड़ा कर दिया और अब बोल दिया बोलो। अब बोलो मैं क्या, तो आप सबसे पहले खड़े होके हेलो हाय माय नेम इज दिस, तो बस वही है इंट्रोडक्शन। आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब आप क्या करने जा रहे हो, इस टॉपिक के बारे में बोलने जा रहे हो। तो अपना इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, आपने थैंक्स किया कि आप सभी लोग आए हैं यहाँ पर मुझे सुनने के लिए, थैंक यू, वेलकम है आप सभी लोगों का। उसके बाद में आपने अपने टॉपिक के बारे में बोलना शुरू किया और फिर उसको क्लोज करते हुए अपने स्पीच को एंड किया। तो ये छोटा सा फॉर्मेट था स्पीच राइटिंग का। राइटिंग सेक्शन का ऑलमोस्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ लेटर राइटिंग बच रहा है, कलम होपफुल इसको भी कवर कर लेंगे और हमारा
राइटिंग सेक्शन पूरा हो जाएगा। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जिसने भी ये राइटिंग सेक्शन का कोई भी पार्ट नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाएं जरूर देख चेकआउट करें। मंडे से हम अपना स्ट्रक्चरल ग्रामर शुरू करेंगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोज, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें अपने रिक्वायरमेंट्स। अगर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे तो वो भी मेंशन करिए। मंडे मिलते हैं अपने स्ट्रक्चरल ग्रामर के साथ बेसिक टॉपिक में। इसमें जो लिखे हुए इनके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है हम उससे शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।